स्टूडेंट्स, आज हम लोग बैठ करके आसनों में कौमुख आसन का अभ्यास करेंगे। देखिएगा कैसे करना है। सीधे पैर उठाइएगा और बाएं पैर को मोड़ते हुए दोनों हाथ हमारे ऊपर की ओर, यानी कि लेफ्ट हाइट जो राइट नी है, राइट हैंड को ऊपर ले जाएगा और लेफ्ट हैंड को पीछे, और दोनों हाथ की उंगलियों को पीछे फंसाने की कोशिश करेगा। इस तरह से अभ्यास को सामान्य अवस्था में गौमुख आसन, जिस तरह से गाय हमारी शांत स्वभाव की होती है, उसी तरह से हमारे मन को शांत बनाता है, सर्वाइकल तंत्र की दर्द को दूर करता है। इस तरह से कुछ देर अभ्यास को रोकने का प्रयास करिएगा। सामान्य श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, लंग्स की क्षमता को बढ़ाता है, कंधों की दर्द सर्वाइकल लेता है उसको दूर करेगा। धीरे से हाथ को नीला छुएगा और पैर को नीला छुएंगे। इसी तरह का इसका कंप्लीमेंट्री आसन, यानी कि पूरक बाएं पैर को ऊपर रखते हुए उसको भी देखिएगा कैसे करना है। अब हमारा जिस पैर को ऊपर रखा हुआ उस हाथ को ऊपर ले जाएंगे और दोनों हाथ पीछे, यानी कि उंगलियों को पीछे टच करने की कोशिश। सामान्य श्वास धीरे से वापस आएंगे और इसी अभ्यास का थोड़ा सा पीछे भी देखने का प्रयास करेंगे। कैसे करते हैं हम लोग, हाथ की स्थिति क्या रहती है उसको देखेंगे। राइट हैंड राइट नी ऊपर, राइट हैंड ऊपर और फिर लेफ्ट को हैंड पीछे ले जाते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को इस तरह से टच करें। स्पाइन सीधी, पूरा सामान्य श्वास के साथ अभ्यास को रोकिएगा। गौमुख आसन, जब दोनों हाथ उंगलियां एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती है तो अच्छे से लाभ निकल आती है। धीरे से हाथ को नीला छोड़िएगा, पैर को नीला छोड़ेंगे और जैसे विश्राम की अवस्था में बैठ कर करने वाले आसनों के बाद जो रिलैक्स वाली पोजिशन होती है, दोनों हाथ को साइड से टिकाते हैं, कंधों को नीला छोड़ते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।